देवघर में किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नगर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के कृषि एवं सहकारिता मंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। परंपरा से हटकर कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री के निर्देश पर भिक्षाटन पर अपना जीवन करने वाली एक वृद्ध महिला द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि बजट के प्रावधानों के अनुरूप किसानों को उसका लाभ दिलाने के लिए इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल मिनिमम सपोर्ट प्राइस सब्जियों पे नहीं है, औने पौने दाम में जब किसान मौसम आता है उनकी सब्जियां ट्रांसपोर्टेशन से भी दाम कम मिलता है तो खेतों में ही सड़ जाती है। मैंने तरबूज को देखा है, टमाटर को सड़ते हुए देखा है। इन सब चीज़ों से हम सभी मर्माहत थे, हताहत थे। इन बातों को हेमंत सोरेन जी ने गौर पर फरमाया और आपने देखा होगा इस बार महामहिम राज्यपाल महोदया जब अपना अभिभाषण पढ़ रही थी तो उनके अभिभाषण में ये बात उद्धृत है कि हम सब्जियों के भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम आने वाले 3 महीनों में पहली बार कृषि नीति बना रहे हैं, आने वाले 3 महीनों में कृषि निर्यात नीति को भी बना रहे हैं। हर 24 जिलों में एक एक जिले को एक कृषि उत्पाद से मशहूर करने के लिए हम कार्यक्रम चला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि 3 माह के अंदर सरकार नई कृषि नीति लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार हरी सब्जियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने जा रही है, जिससे सब्जी उपजाने वाले किसान अपनी उपज का सही दाम पा सके। आयोजित कार्यक्रम में किसानों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश पासवान सहित गठबंधन के नेता और जिप सदस्य सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवघर से विजय कुमार की रिपोर्ट।